नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी में 1,40,000 के पार कोरोना के केसेस पहुंचे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,603 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 49,709 है। यूपी में अब तक 88,786 लोगों ने कोरोना को मात दी है। यूपी में कोरोना संक्रमण से 2,280 लोगों ने दम तोड़ा है। खबर लखनऊ से, जहां स्मार्ट मीटर फेल होने का मामला ऊर्जा मंत्री के पत्र पर सीएम योगी ने जांच सौंपी है। यूपी एसटीएफ करेगी अब बिजली कटौती की जांच। सीएम ऑफिस से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। एसटीएफ को सौंपी गई है जांच। आपको बता दें, दोषियों पर कार्रवाई होगी, सीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया। लखनऊ समेत तमाम शहरों में स्मार्ट मीटर फेल होने से घंटों गायब हुई थी बिजली। एसके वाजपेयी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। इसकी क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें, कल उत्तर प्रदेश के लाखों विद्युत उपभोक्ताओं के घर की बिजली कट गई थी, क्योंकि उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा था। स्मार्ट मीटर में जो प्रोग्रामिंग होती है वो कंप्यूटर के माध्यम से सेट होती है। अगर कोई उपभोक्ता अपना समय से बिल नहीं जमा करता है तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर में वो व्यवस्था है कि उसका कनेक्शन जो है संबंधित जेई अपने कार्यालय से ही बैठे बैठे काट सकता है। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जहां कई लाखों ऐसे उपभोक्ता थे जिनका बिल जमा था, लेकिन बावजूद उसके गलत प्रोग्रामिंग की वजह से लाखों उपभोक्ताओं की बिजली कट गई। अकेले राजधानी लखनऊ में करीब 6,000 से ज्यादा ऐसे विद्युत उपभोक्ता थे जिनकी बिजली देर शाम चली गई और कई घंटों तक नहीं आई। हालांकि इस मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया था और ऊर्जा मंत्री को निर्देशित किया था कि वो चेयरमैन को जांच के लिए कहे। चेयरमैन ने जो प्रारंभिक जांच की है उसमें दो बड़े अफसरों पर कार्रवाई हो चुकी है, उनको निलंबित किया जा चुका है। अब बावजूद इसके सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जांच एसटीएफ से कराने का निर्देश जारी किया है और ये सख्त निर्देश जारी हुए हैं कि जब एसटीएफ जांच करेगी और जो जांच रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी दोषी अफसर होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर जब प्रोग्रामिंग होती है तो कैसे ये गलत प्रोग्रामिंग सिस्टम में आई, ये किसी की शरारत थी या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट थी। इन बहुत सारी चीजों को लेकर एसटीएफ की जो टेक्निकल विंग है वो पूरे मामले को जांचेगी और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद कई बड़े अफसरों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। हालांकि मध्यांचल यूपीपीसीएल ने भी अपनी तरफ से एक कमेटी गठित कर दी है जिसमें 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, वो भी अपनी जांच करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ की जांच के निर्देश दे दिए हैं तो निश्चित तौर पर यूपीपीसीएल के अधिकारियों में हड़कंप है, क्योंकि अब जब जांच होगी तो निश्चित तौर पर वो सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर इतनी बड़ी घटना के पीछे वजह क्या थी। जी चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया इसके। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर ट्वीट भी किया है, साफ तौर पर लिखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत दिवस कतिपय क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं की बारिश विद्युत बाधित विद्युत आपूर्ति के प्रकरण की जांच एसटीएफ को कराए जाने के निर्देश देते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि जांच पुरान दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध में सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो एक ट्वीट और यूपीपीसीएल की तरफ से किया गया है। तकनीकी कारणों से कल स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी, जिसका हमें खेद है। इस समस्या का निवारण करते हुए आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई थी। यदि अभी भी आपकी विद्युत आपूर्ति सामान्य ना हो पाई हो तो कृपया अपना मोबाइल नंबर और अकाउंट आईडी बताते हुए अवगत करवाएं। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इनामी बदमाश को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनामी राहुल हरिजन और धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। राहुल हरिजन को सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया, ये बड़ी खबर आपको बता दें। राहुल हरिजन को सुल्तानपुर से अरेस्ट किया गया है। इनामी बदमाश को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, बड़ी खबर आपको लगातार बता दें।
नीलेश चौहान अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, यूपीएससीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। पिछले कई महीनों से ये अपराधी जो है फरार चल रहा था, यूपी पुलिस के नाक में दम कर रखा था, जिसके बाद जो है ये मामला यूपीएससीएफ को ट्रांसफर किया गया। जब यूपीएससीएफ को ट्रांसफर किया गया, उसके बाद यूपीएससीएफ लगातार इसकी तलाश कर रही थी। आज जो है इसको दोपहर में गिरफ्तार किया गया। इसका नाम जो है राहुल उर्फ हरजन बताया जा रहा है। 25,000 का इनामी था और इसको सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद एसटीएफ इससे पूछताछ कर रही है कि आखिर किन वजहों से, किन कारणों से इसने इतने बड़ी गंभीर धाराओं में, जो तमाम मुकदमों में जिसमें ये वंचित चल रहा था, उनको अंजाम दिया। तो उसके अलावा क्या इनके साथ और भी लोग इन मुकदमों में शामिल थे? अगर कुछ और नाम निकलकर सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर एसटीएफ के द्वारा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये बड़ी सफलता कही जा सकती है कि एसटीएफ इस कोरोना काल में भी लगातार अपने जो काम करने का तरीका है उसी तरीके से काम कर रही है। चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया नीलेश। खबर लखनऊ से, जहां भगवान परशुराम चेतना पीठ का बड़ा ऐलान। आपको बता दें, ट्रस्ट लखनऊ में लगवाएगी भगवान परशुराम की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा। ट्रस्ट के संस्थापक संतोष पांडे और अभिषेक मिश्रा ने ऐलान किया। सुमेश मिश्रा को ट्रस्ट का राजकीय संयोजक बनाया गया है। भगवान परशुराम चेतना पीठ में दूसरा बड़ा चेहरा होंगे सुमेश मिश्रा। संतोष पांडे के बाद दूसरे नंबर की भूमिका में होंगे सुमेश मिश्रा। संतोष पांडे और अभिषेक मिश्रा के बेहद करीबी हैं सुमेश मिश्रा। राष्ट्रीय संयोजक सुमेश मिश्रा की देखरेख में मूर्ति निर्माण की शुरुआत होगी। आपको बता दें, ट्रस्ट के संस्थापक संतोष पांडे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। हमारे कंधे से कंधा मिला के हर समय मेरे सुख दुख में, जब मैं लखनऊ नहीं रहता हूं तो मेरा एक प्रतिबिंब की तरह छोटे भाई का साथ निभाने वाले अति प्रिय, बहुत ही मजबूत छोटे भाई सोमेश मिश्रा जी इस समय लखनऊ से हमसे जुड़े हैं। मैं छोटे भाई आपको आशीर्वाद देता हूं। तो लगातार आपको एक खबर हम बता दें, संतोष पांडे के बाद दूसरे नंबर की भूमिका में होंगे सुमेश मिश्रा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संतोष पांडे और अभिषेक मिश्रा के बेहद करीबी हैं सुमेश मिश्रा। लगातार हम आपको यह खबर बता रहे हैं, राष्ट्रीय संयोजक सुमेश मिश्रा की देखरेख में मूर्ति निर्माण की शुरुआत। यूपी में बारिश से कई जिलों में जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बारिश के बाद में जलभराव ने कई शहरों के प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। इस कड़ी में पहले बात करेंगे कानपुर शहर की, जहां पर बरसात से हाल बेहाल है। स्मार्ट सिटी बनाए जाने की कागजी हकीकत सामने आई। जिले में मूसलाधार बरसात ने स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी है। कानपुर पूरी तरीके से जलमग्न है। फर्रुखाबाद में भी बारिश के बाद में नगर पालिका के दावों की सच्चाई उजागर हुई है। जिले में सड़कों पर जगह जगह 3 से 4 फीट का पानी भरा है, जिसके चलते पूरा शहर तालाब में तब्दील हो चुका है। कन्नौज जिले में बारिश के चलते सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया। आपको बता दें, सरकारी बीज भंडार और एग्रीकल्चर विभाग में घुटनों तक पानी भरा है। कर्मचारी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। तो कानपुर जलभराव को लेकर भाजपा नेताओं की नौटंकी भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, भीषण जलभराव के खत्म होने के बाद बीजेपी मेयर प्रमला पांडे ट्रैक्टर से प्रेमलता कटियार के घर पहुंच गई और कहा कि मैं किसान की बेटी हूं, करोड़ों के बजट के बावजूद जस का तस नाला बना हुआ है। इस नाले का टेंडर साफ सफाई के लिए 10 करोड़ का हुआ था। आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं खलासी लाइन पर खड़ा हूं, जहां पर पूरा नाले से जो है गाड़ियां बह करके आ गई थी। पानी इतना बरसात हुआ कि पहली बरसात में ही पूरी जो है स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई है। हमारे साथ जो है यहां पर मेयर प्रेमला पांडे जी हैं, जो ट्रैक्टर से जा रही हैं। नहीं, क्या लग रहा है कि जो है जिस हिसाब से नाला भर गया, क्या नाले की सफाई नहीं होती? अब इसकी मैं पूरी व्यवस्था आज से मैं इसमें लग जाऊँगी।
क्यों भरा, कैसे हुआ इसका लगता? नहीं, पूर्व मंत्री प्रेमता जी का घर पड़ता है, ऐसे में पूरा 4 घंटे तक यहाँ पे पानी भरा रहा। बरसात हो रही थी, पानी तब भरा था ना, बरसात हो रही थी ना, बरसात। ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि आप ट्रैक्टर? ट्रैक्टर हमारी किसानों की सवारी है, किसानों की सवारी ट्रैक्टर है, मैं किसान की बेटी हूँ इसलिए ट्रैक्टर से चल। क्या लगता है कि जो है क्या नाम लोग यहाँ पे लोग जो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे बात करते हैं कि कितनी देर तक यहाँ पर पानी भरा? 4 घंटे पानी भरा था, 4 घंटे पानी भरा था और कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं होती। इतना हम लोग को दिक्कत, घर में इतना पानी था हम लोगों के, हम लोग सुबह से कैसे सर काट रहे हैं हम ही लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ जो आते हैं अच्छे लोगों से मुलाकात। तो क्या नाले जो सफाई हुआ, सफाई नहीं, कुछ भाई साहब, यहाँ पे बजट करोड़ों में पास होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या कि जितनी जिसके मंत्री हैं उन्हीं के ठेकेदार हैं, आधा पैसा तो खुद ही खा जाते हैं, आधे ज्यादा उनके नीचे निकालते हैं, काम कर ऊपर निकालते हैं, दिखा रहे सकते हैं। यहाँ जो क्षेत्रीय लोग है वो सीधा आरोप लगा रही है कि करोड़ों रुपए का नाला सफाई को लेकर बजट निकलता है, जहाँ पे नमामि गंगा का प्रोजेक्ट पीछे चल रहा था, जिसमें सीधे सीधे तरीके से कहा गया था कि नाले की पूरी तरह सफाई करी जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से रात में पानी बरसा और 4 घंटे तक यहाँ पे जल भराव बना रहा, ऐसे में कई गाड़ियां डूब गई और कई गाड़ियां बह करके आई। और यहाँ पर सुबह जो है प्रमिला पांडे जो मेयर हैं वो ट्रैक्टर से पहुंची, दौरा करी और उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि नाले की सफाई को लेकर के, तो बात को काटती हुई नजर आई। कैमरामैन निखिल चौहान के साथ अश्विनी निगम, न्यूज वन इंडिया, कानपुर। तो अश्विनी हमारे सहयोगी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नमामि गंगे को लेकर जब प्रोजेक्ट चालू हुआ था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के उसमें जो है शीशामऊ का जो एशिया का सबसे बड़ा नाला कहा जाता है, उस नाले की सफाई को लेकर के बात कही गई थी। और इस नाले की सफाई, क्योंकि वो नाला का जो पानी था वो गंगा में जाकर के गिरता था, ऐसे में नाले को तो टैप कर दिया गया, लेकिन ऐसे में वहां की जो सफाई नहीं हुई, जो करोड़ों रुपए का टेंडर उठता है हर साल उठाया जाता है सफाई को लेकर के, जिसके चलते हुए आज पहली बरसात हुई। जब बरसात हुई लगातार रात देर रात बरसात हुई, उसमें पूरा का पूरा पानी भर जाता है, यहाँ तक कि खुद वहां पे पूर्व मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी। तो वहीं न्यूज वन इंडिया की खबर के बाद लोगों को उम्मीदें जागने लगी हैं। ये ग्वालियर हाईवे रोड से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, जहां से रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। आए दिन अधिकारी और नेताओं के आवागमन होने के बाद किसी अधिकारी का इस जलभराव की समस्या की ओर ध्यान कभी नहीं जाता। ये समस्या तो विगत 3-4 वर्षों से है ही है और हर साल यही होना है, ना तो कोई प्रशासनिक कार्यवाही हो रही है, चलता है व्यापार, कुछ नहीं चलता है, व्यापार बिल्कुल जीरो है व्यापार। पहले लॉकडाउन, फिर किराए की दुकान है। अच्छा, किस तरह से इसका भाड़ा देते हैं आप? अब भाड़ा क्या, घर से देना पड़ रहा, जब तक दे सकते हैं देंगे, नहीं तो वापस बैठेंगे घर पे। और क्या क्या समस्या आती है व्यापार की? समस्या आती है मेन चीज तो पानी की समस्या है, ना कोई सांसद सुनने को तैयार है, ना वो विधायक सुनने को तैयार है, कोई भी नहीं है तैयार। आपने कई बार लिखित में शिकायत भी की होगी? शिकायत की हुई है सीएम कार्यालय, पीएम कार्यालय, एडीए ऑफिस, नगर निगम, जो भी जहाँ भी कहता है वहाँ कार्य शिकायत करते हैं। अधिकारी आए कभी? कोई अधिकारी नहीं आता है। सांसद जी का कैंप कार्यालय भी है सामने? सामने ही है, बस सांसद जी को चुनाव के टाइम पे याद आई। रोड पे जो कॉलोनियां है उन कॉलोनियों के अंदर वो जो सीसी का काम किया है, इंटरलॉकिंग का काम किया है, चाहे वो नगर पंचायत ने किया हो, चाहे वो जी नगर निगम ने किया हो, जिसने भी किया, तो उसकी वजह से वो स्थान ऊंचा हो गया और पूरी कॉलोनियों का पानी सड़क पे आना शुरू हो गया जी। इसकी वजह से हम वहाँ पे जल भराव की समस्या होने लगी जी। इसमें हम लोगों ने जल निगम की सहायता से उनसे एक एस्टिमेट लिया कि आप इस सड़क के किनारे नाले निर्माण का एक एस्टिमेट हमें दीजिएगा, जिससे कि इस पानी की समस्या का निस्तारण हो सके। इसे देखकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह है स्मार्ट सिटी की ताज नगरी आगरा। हम इस समय खड़े हैं आगरा ग्वालियर हाईवे पर, जो आप देख सकते हैं यह आगरा ग्वालियर हाईवे है, जहां पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन गाड़ियां निकलती और यहाँ अधिकारी व नेताओं की गाड़ियां भी निकलती हैं, लेकिन जल भराव की समस्या के कारण न तो इन
खबर आगरा से, जहां इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। आईजी आगरा ए सतीश गणेश के निर्देश पर कार्रवाई की गई। साइबर क्राइम यूनिट के मामले में चार आरोपियों को दबोचा गया है। मामले में एक विदेशी और तीन भारतीय साइबर आरोपी गिरफ्तार किए गए। साइबर क्राइम टीम ने आरोपियों से कई सबूत बरामद किए हैं। शाहगंज में प्रताप सिंह चाहर नाम के व्यक्ति से धोखाधड़ी हुई थी। आगरा में जो परिक्षेत्रीय साइबर थाना है, वहाँ पर प्रताप सिंह चाहर जो कि पूर्व सैनिक हैं, उनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया कि कुछ लोगों ने उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर फोन किया था और उन्हें ये बताया था कि जो उनके पास इंश्योरेंस के खाते हैं वो फर्जी हैं और इसको रेगुलराइज करने के लिए अगर वो कुछ निश्चित धनराशि उनको देंगे तो उसके एवज में उनको एक बड़ा इकोनॉमिक गेन होगा। इस आशय का मुकदमा पंजीकृत होने के बाद जो रेंज साइबर सेल की हमारी टीम है उसने इस पर काम करना शुरू करा और जब काम करना शुरू करा तो इसमें बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य निकल कर आए कि ये पूरा जो अपराध है वो साइबर क्राइम का अपराध इंडो नाइजीरियन गैंग के द्वारा किया गया था, जिसमें एक नाइजीरियन नागरिक भी शामिल है और उसके अलावा तीन भारतीय मूल के नागरिक हैं। और इसके साथ साथ जब इस पर विभिन्न टेक्निकल टीम्स के द्वारा उनके लैपटॉप्स वगैरह जो उनके पास से बरामद हुए हैं उसको जब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसमें फ्रॉड हुआ है और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं और करोड़ों की धनराशि जो है इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न खाताओं में प्रेषित की गई। पूरे ऑपरेशन को जो हमारे रेंज साइबर सेल का जो थाना है उसके जो सबसे हमारे एक्सपीरियंस्ड इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर शैलेश सिंह, और उनके साथ में सहयोगी की भूमिका में सब इंस्पेक्टर मोहित चेतन और विशाल शर्मा, इन लोगों का बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था और उस कॉम्प्लिकेटेड केस को इन लोगों ने बहुत ही। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, जहां साइबर टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 8.5 लाख के कीमत के 80 मोबाइल फोन बरामद किए गए। अभियान चलाकर पुलिस कार्रवाई करके सफलता पा चुकी है। एसपी खीरी ने मोबाइल स्वामी को सौंपे हैं उनके फोन। बरामदगी करने वाली टीम को 10,000 पुरस्कार की घोषणा की गई। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन खो जाने के जो प्रार्थना पत्र दिए थे उन पर कार्रवाई करते हुए लखीमपुर पुलिस ने साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की जो हमारी टीम है उन्होंने 80 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 8,45,500 रुपये है। मैं साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीम को 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा करता हूं और सभी जो हमारे जिन लोगों के फ़ोन खोए हैं 80 लोग हैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि वो एक एक करके अपना मोबाइल फोन पा। तो अभियान चलाकर पुलिस कार्रवाई करके सफलता पा चुकी है, ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता दें। एसपी खीरी ने मोबाइल स्वामी को उनके मोबाइल फोन सौंप दिए हैं। लखीमपुर खीरी से खबर है, साइबर टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 8.5 लाख के कीमत के 80 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। साइबर टीम को बड़ी सफलता लखीमपुर खीरी में, आपको लगातार ही खबर हम बता रहे हैं। सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी मैम, हेलो जी, बोलिए। लखीमपुर एसपी के निर्देशन पर एक खुलासा हुआ है जिसमें खोए हुए मोबाइल जो बरामद हुए हैं कम से कम तो इसमें 8,45,000 रुपए का। चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया।